दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऑडियो एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ मैं TP3110 मॉड्यूल, जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर है जो स्टूडियो साउंड निकालता है। मैंने इसकी टेस्टिंग वीडियो पहले डाल रखी है। क्या क्या आइटम की इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। तो ये है एक ब्लूटूथ पैनल जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो ये 12 वोल्ट के चार्जर के अंदर से मैंने निकाल रखी है, और एक और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई इस पैनल को चलाने के लिए, और एक 100 के का पोटेंशियल जो कि आप देख सकते हो, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, और दो स्पीकर्स जो मैंने खुद बना रखे हैं DC पाइप से। तो ये आपको स्पीकर, ये 15 वोल्ट का स्पीकर है। और इसकी बॉडी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक ओल्ड रिसीवर। इस सारे आइटम को हम इस रिसीवर के अंदर फिट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रिसीवर को खोल दें, और इसके अंदर से देख सकते हो आप इसकी जो PCB लगी हुई, तो सभी आइटम को हम बाहर निकाल देंगे। इसके अंदर से मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके जो ऑडियो इनपुट या आउटपुट के जो जैक हैं, तो इनको मैं यहाँ से निकाल लूँगा और यहीं पे फिट कर दूँगा, क्योंकि इसकी जो आउटपुट निकलेगी उन वायर को हम इसी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको देख सकते हो वहाँ से निकाल लिया है। तो मैंने इस जैक को यहाँ पर फिट कर लिया, आप देख सकते हो। तो अब ये इसकी आगे की फ्रंट, तो ये जो आप पैनल देख रहे हो, इस पैनल को मैं यहाँ पे सामने फिट करने वाला हूँ इसमें। तो यहाँ पे इसको सोल्डरिंग आयरन की सहायता से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे फिट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार का यहाँ पे दिखेगा। तो इसको मैंने फाइनली कट कर दिया है। तो अब इस पैनल को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ से चिपका देंगे, देख सकते हो आप। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको फिट कर लिया है, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इनके वायरों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें DC 5 वोल्ट, तो इसके साथ जो पैनल के साथ हमें जो कनेक्टर मिला था, तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमें देख सकते हो सिंबल दिया गया है प्लस और माइनस का। तो उसी प्रकार ये हमारा पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। तो इन दोनों पावर सप्लाई की इनपुट के वायर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फेज में फेज, और नूडल को नूडल के दान दोनों को साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, और इनसे इन दोनों के कॉमन वायर करके दो वायर निकाल लेंगे जो कि हमारे इनपुट के लिए रहेंगे, AC इनपुट के लिए। तो ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये दोनों हमने साथ में ज्वाइन कर दिए हैं, और ये दोनों इनके मेन वायर रहेंगे, तो इनसे हमारी इनपुट आएगी जो ये दोनों पावर सप्लाई वर्क करेगी। तो कुछ इस प्रकार से ये चिपक चुकी है। तो अब ये जो हमारी PCB है, तो इसको मैं यहाँ पे स्क्रू की सहायता से यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसको मैंने स्क्रू की सहायता से लगा दिया है। तो ये हमारी 5 वोल्ट की पावर सप्लाई, तो इसको मैं इस कनेक्टर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इस पैनल के यहाँ पर, ब्लूटूथ पैनल। और ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट की यहाँ पर। तो इस मॉड्यूल के यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को पॉजिटिव में कनेक्ट करता हूँ, और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने फाइनली दोनों को कनेक्ट कर दिया है, और इस जैक को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हमारी मेन पावर सप्लाई के वायर हैं जो कि आप देख सकते हो। तो एक वायर को मैं ये स्विच मैंने उसमें से निकाल कर स्विच यहाँ पे लगा दिया था, तो इसकी पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो एक जो वायर है इसका यहाँ पे स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इसको कट करके, और एक डायरेक्ट हमारा नूडल के साथ जोड़ेंगे। ये इसकी मेन पावर केबल। तो फाइनली इसका पावर सप्लाई का कनेक्शन पूरा हो चुका है, तो स्विच के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये नेगेटिव वायर डायरेक्ट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो मेन कनेक्शन की बात आती है इस बोर्ड की
इनपुट को देने की, ऑडियो इनपुट को। तो ये है हमारा जैक जो इसके साथ में हमें मिलता है। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, तो इसमें भी बहुत ही इजी कनेक्शन है। तो ये जिस प्रकार से सामने है मेरे तरफ, तो इसमें जो ये है लेफ्ट और ये राइट और बीच वाला ग्राउंड, तो हमें वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए ये यूज़ करूँगा इस स्विच का। ये देख सकते हो 100K का है। तो इसमें आपको इनपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी इनपुट होगी इस लेग पे और इस वाली पर और बीच वाली से आउटपुट, और ये हमारा इसका ग्राउंड रहेगा। तो मैं इसमें कनेक्ट करूँगा यहाँ पर राइट और लेफ्ट और ये बीच वाले वायर को यहाँ पे ग्राउंड। तो इसी प्रकार से इसके बीच में से यहाँ पे राइट और लेफ्ट को, तो यहाँ पे इसमें कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड में। देख सकते हो राइट और लेफ्ट बीच में ग्राउंड, इसके यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसकी वायरिंग होगी। तो कुछ इस प्रकार से मैंने वायरों को कनेक्ट कर दिया है। तो आपको इस प्रकार से स्विच को पकड़ना है, देख सकते हो। तो आपको बहुत ही इजी कनेक्शन है, ज़्यादा भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ पे फिट करते हैं। तो ये जैक है, तो इस पैनल में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आपको पैनल को अपने साइड पे सामने रखना है। तो जिस प्रकार से आपका जो लेफ्ट हैंड है, तो उस साइड पे इसका लेफ्ट रहेगा और राइट साइड पे राइट रहेगा। तो ये देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसमें हम इन वायरों को कनेक्ट कर देंगे, राइट में राइट को, लेफ्ट में लेफ्ट को, और ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। वायरों को कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो। तो इसमें बहुत ही पास पास कनेक्शन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साथ में टच ना हो। तो अब इस स्विच को मैं यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, ये वाला स्विच है। तो इसको यहाँ से रिमूव करके, तो इस स्विच को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो मैं लगा देता हूँ, फिर आपको दिखा दूँ किस प्रकार का हमारा दिखेगा। तो फाइनली मैंने इस स्विच को यहाँ पर फिट कर दिया है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो हमारा सब कुछ कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। बस अब इस जो पैनल से जो हमारे साउंड की आउटपुट है, तो उनको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, राइट वाले को राइट में यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और लेफ्ट वाले को यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ये येलो कलर की पिन है, इसके साथ में कनेक्ट नहीं करूँगा। तो इन वायरों को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको टेस्टिंग करके देखते हैं ये हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। तो फाइनली सभी चीज़ें सब कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने इसके ऊपर हीट सिंक भी लगा दी है कि आईसी ठंडी रहे हमारी। तो अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ, फिर आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस प्रकार से हमारा वर्क करता है। तो मैंने इसको पैक कर लिया है। तो अब ये है हमारे दो स्पीकर, जो कि देख सकते हो आप। तो इनके मैंने यहाँ पर देख सकते हो जो वायर थे, तो मैंने इसके यहाँ पर ये केबल के जो आती हैं पिन, इनको मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो इनको लगाता हूँ मैं। तो रेड में हमको रेड वाली लगाएंगे और वाइट वाली में वाइट, येलो का हमने कनेक्शन नहीं किया था। तो ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो अब ये इसकी जो मेन कार्ड है, तो इसको मैं एसी लाइन में डायरेक्ट इनपुट करूँगा, ये देख सकते हो। तो वहाँ से ऑन है, तो ये इसका स्विच है जो हमने दिया था। तो आप देख सकते हो फाइनली हमारा ये कंप्लीट चल चुका है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ मोबाइल से, और आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसका ये नाम आ चुका है।
तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, इसमें से एक आवाज आ चुकी है, तो अब मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार की इसकी साउंड क्वालिटी है, तो मुझे तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी है, स्टूडियो साउंड को सपोर्ट करता है। फाइनली हमने जो ऑडियो एम्पलीफायर बनाया है तो सही से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसके कनेक्शन भी समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।